हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ सिंपल लिविंग विद शिखा। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जो नवरात्रि स्पेशल मैं आप लोगों के लिए एक और डिश लेकर आई हूँ, आप नवरात्रि स्पेशल भी बोल सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि व्रत वाली, आप किसी भी व्रत में खा सकते हैं। तो ये है साबूदाना के बड़े, जिसको बनाना बहुत आसान है और ये खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो इसके साथ जो चटनी मैंने बनाई है ना, वो भी व्रत वाली है, तो उसको भी कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या प्रोसेस इसको बनाने का। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक कटोरी साबूदाना। तो ये साबूदाना एक कटोरी लिया है, छोटा वाला जो आता है ना वो लेना है, और इसको मुझे एक बड़े बर्तन में डाल करके अच्छे से दो बार पानी से धोना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको धो लिया है। अब धोने के बाद मुझे क्या करना है कि मुझे इसमें पानी भर के इसको 3 घंटे के लिए रखना है, ताकि ये अच्छे से फूल जाए, सोक करने के लिए रखना है। तो पानी आपको सिर्फ 1 इंच इसके ऊपर मतलब डूबा होना चाहिए, इतना 1 इंच तक ऊपर आपका पानी होना चाहिए, इतना आपको रखना है। तो बस मैंने इसमें पानी डाल दिया, इसको ढक करके मैं रख दूँगी 3 घंटे के लिए। तो 3 घंटे के बाद हमारा जो साबूदाना है वो अच्छे से फूल गया है। ये देखिए इतना अच्छे से फूल गया, इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं है। अगर आपको लगे कि आपके साबूदाना में ज़रा सा भी एक्स्ट्रा पानी है, तो आप जाली के थ्रू मतलब उसका जो एक्स्ट्रा पानी है आप वो निकाल सकते हैं। तो जाली वाली किसी भी बर्तन में आप उसको डाल दीजिएगा, ताकि उसका जितना भी पानी हो वो निकल जाए। तो इसमें तो बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो ये मेरा साबूदाना तैयार है। साथ में जो चीज़ चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 5 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिन जो कि उबले हुए हैं, छील के रखे हुए हैं। साथ में हरा धनिया पत्ती, और इसी के साथ मैंने यहाँ पे लिया एक कटोरी मूंगफली के दाने, जिसको मैंने अच्छे से रोस्ट करके रखा हुआ है। यह है कुटी हुई काली मिर्च, ये है हरी मिर्च, और ये और इसी के साथ मैंने यहाँ पे लिया सेंधा नमक, जो व्रत वाला नमक होता है। तो ये चीज़ें चाहिए हमें बड़े बनाने के लिए। अब चटनी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए वो भी हम देख लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 3 से 4 टमाटर, और टमाटर के साथ मैंने यहाँ पे लिया अदरक, अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं मैंने। ये है जीरा, और ये हरा धनिया, और साथ में मैंने यहाँ पे लिया ये जो डाली होती है ना हरा धनिया की, जो बहुत ही नाजुक सी डाली होती है ना, वो मैंने लिए, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और साथ में मैंने लिया है यहाँ पे हरी मिर्च। तो बस ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें चाहिए। तो सबसे पहले मैं जो करूँगी वो ये है कि मैं जो मूंगफली के दाने हैं ना हमारे पास, उसको मैं पीस लूँगी। तो इस तरीके मैंने जार लिया है, और इसमें मैंने मूंगफली के दाने डाल लिए हैं, और इसको पीसना है। बहुत मोटा नहीं और बहुत बारीक भी नहीं। तो इस तरीके से ये देखिए, आपने देखा ना, ज़्यादा मोटा है ना एकदम बारीक मैंने पीसा है। तो आपको मीडियम उसमें इसको पीसना है। तो इसको मैंने ट्रांसफ़र करके रख लिया एक अलग कटोरी में। अब उसी जार में हम लोग क्या करेंगे, हम चटनी पीसेंगे। तो जो हमने टमाटर यहाँ पे लिए हैं वो मैं यहाँ पर डालूंगी, साथ में मैं जो अदरक लिया है वो भी डाल दूंगी मैं इसी में, और इसी के साथ यहाँ पे जो हमने जीरा लिया था इसमें जीरा ऐड करूंगी। ये सारी वही चीज़ें जो कि हम व्रत में खा सकते हैं। और ये है हरी मिर्च, आपको जैसा तीखा पसंद है आप उस हिसाब से हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। और ये धनिया पत्ती है, और ये जो धनिया पत्ती के साथ मैंने जो डाली ली है ना, इसकी जो तना होता है, और जो कि ज़्यादा मोटा नहीं होता, आप इस तने को ज़रूर डालिएगा चटनी में, क्योंकि ये जो तना होता है ना, इसकी खुशबू पत्तियों से ज़्यादा होती है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे अभी ये भी डाल दिया है, और इसी के साथ मैं अब यहाँ पे ऐड करूँगी नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो नमक इस्तेमाल कर रही हूँ वो मैं करूँगी सेंधा नमक, क्योंकि ये व्रत वाली जो चटनी बन रही है। तो बस अब मैं इसको पीस लूँगी। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है, कितनी अच्छी हमारी जो चटनी बनकर तैयार है व्रत वाली। तो इसको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी अलग बर्तन में, अलग कटोरी में। तो ये देखिए मैंने कर लिया है, और अब उसके बाद जो काम करना है, मैंने यहाँ पे गैस पर रख दिया कढ़ाई, और कढ़ाई में डाला है मैंने रिफाइंड ऑयल। अगर आप लोग व्रत में रिफाइंड ऑयल नहीं खाते हैं, तो आप लोग यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ, क्योंकि हम लोग रिफाइंड ऑयल खा लेते हैं। तो जब तक वो गर्म होगा, तब तक हम यहाँ पर बड़े तैयार करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, जो उबले हुए आलू हैं उनको कद्दूकस करना है। तो ये जो मीडियम साइज़ वाला कद्दूकस होता है ना, ग्रेट करने वाला, उससे हम ग्रेट कर रहे हैं। वैसे तो आप हाथ से फोड़ सकते हैं, लेकिन जो कद्दूकस करते हैं ना आलू ग्रेट करके, जो हम आलू इस्तेमाल करते हैं, उसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। तो मैंने यहाँ पर ये 5 आलू उनको मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इसी के साथ इसमें जो साबूदाना है वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी। तो ये मैंने सारा साबूदाना यहाँ पर ऐड कर दिया है,
और बाकी की चीज़ें भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी। अब ये जो हरी मिर्ची मैंने यहाँ पे ली है बारीक कटी हुई, वो मैं यहाँ पे ऐड करूंगी। हरा धनिया बारीक कटा हुआ, काली मिर्च कुटी हुई, मूंगफली के दाने जो हमने यहाँ पे पीस के रखे हुए थे उनको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। और हम अब ऐड करेंगे नमक, जो कि स्वाद के अनुसार ऐड करेंगे। तो बस ये चीज़ें हैं, और इन चीज़ों को अब हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो वैसे अगर इसको मिक्स करना है तो हमको इतने अच्छे से मिक्स करना है कि एकदम जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही एकदम डो बन जाए। तो चम्मच के साथ, स्पून के साथ इसको मतलब मिक्स करना इतना इजी नहीं है, इतना अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो इसीलिए मैं इसको हाथ से मिक्स करूँगी, और अच्छे से जाके ये जो आलू और साबूदाना है ना, वो आपस में इतने अच्छे से घुल मिल जाए कि बहुत अच्छी बाइंडिंग हो, और हमारे जो बड़े हैं वो काफ़ी अच्छे से बन जाएँ। इसीलिए मैं इसको हाथों से मिक्स करूंगी, इस तरीके से मसलते हुए इसको हमें मिक्स करना है। तो बिल्कुल ऐसा डो बनाना है जैसे हमने आटा गूंद के रखा हो, बिल्कुल वैसा ही डो हमें बना के रखना है। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से इसको मसल मसल कर हम लोग मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा डो है वो बन के तैयार है साबूदाना का। अब हम बनाएंगे बड़े, जो कि बनाना बहुत आसान है। तो इसके बड़े कैसे बनाना है, आपको हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाना है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ऑयल मैंने लिया है अलग कटोरी में और हाथों पे लगा दिया है ताकि ये चिपके ना। तो इस तरीके से आपको गोल गोल करके, आप चाहे तो टिक्की की तरह बना सकते हो, कटलेट की तरह, या फिर आप चाहें तो मतलब आप शेप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। मैं यहाँ पे बड़े की तरह बनाना है तो इसके बीच में आप थोड़ा सा उंगली से आप इसमें होल्ड कर सकते हैं ताकि ये बड़े वाला देखिए इस तरीके से ये बड़े की तरह आपको लुक देगा। और चाहे तो अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे, आप टिक्की की तरह भी बना सकते हैं। तो जैसी आपको शेप चाहिए आप वैसे बना सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से बनाया है, और कुछ मैं टिक्की की तरह भी बनाऊंगी, और ज़्यादा मोटा नहीं है ये, एकदम पतली भी नहीं है, बस मीडियम साइज़ की बना लूँगी। तो कढ़ाई में जब तक ऑयल गर्म होता तब तक मैं 3-4 बना के रख लूँगी ताकि एक बार में कढ़ाई में डालने लायक हो जाए। देखा कितना आसान है इसको बनाना, बस आपके हाथों पे ऑयल लगा होना चाहिए, बहुत इजीली बन जाएंगे क्योंकि फिर ये आपके हाथों पर चिपकेगा नहीं। सर इसी तरीके से मैं बाकी के बड़े बनाऊंगी। देखिए कितनी आसानी से ये लोग ये जो बड़े हैं वो बन रहे हैं। थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते हुए अपने हाथों पर, और इस तरीके से आप बड़े बना लीजिए। ये देखिए टिक्की की तरह बनाया है, इसमें बीच में हमने होल नहीं किया तो ये बिल्कुल टिक्की का लुक देगा। तो मैंने यहाँ पे इतने सारे बड़े बना लिए, बाकी का भी बटर रखा है। तो अभी ऑयल जो है हमारा गर्म हो गया है, रिफाइंड ऑयल, और आपका जो रिफाइंड ऑयल है वो अच्छे से गर्म होना चाहिए तभी आपको ये डालनी है। तो आप चाहें तो थोड़ा सा पेस्ट डालकर इसमें चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ये प्लेट भी रेडी करके रखी हुई है पेपर डाल के, ताकि मैं जो तल कर फ्राई कर कर इसमें रख लूँ। तो देखिए मैं थोड़ा सा बटर डाला, जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म है। अब हम इसमें टिक्कियाँ डाल दे जाएंगे, टिक्कियाँ या कह दें या फिर आप बड़े भी बोल सकते हैं। तो आप एक बड़ा डालें, उसके बाद आप 10 सेकंड का वेट करें, तब फिर दूसरा डालें। एकदम से आप एक साथ डालेंगे तो क्या हो सकता है, ये आपस में चिपक सकता है। तो इसीलिए एक बड़ा डालें, फिर 10 सेकंड का वेट करें, फिर उसके बाद आप दूसरा डालें। और जब इनको पलटना हो तो ध्यान रहे कि एक बार वो अच्छे से एक तरफ से सीख जाए तब आप पलटें। अगर आपने इनको मतलब जल्दी पलटने की कोशिश की तो मे भी आपकी ये थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकते हैं कि चिपकने का डर रह सकता है, डर हो सकता है। तो इसलिए आप देख सकते हैं एक तरफ से ये अच्छे से फ्राई हो गए। अब मैं इसके बाद इसको पलटूंगी आराम से, इजीली हो जाता है, बहुत मतलब ऐसा कोई डर नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं काम। ये देखिए आराम से पलट चुके हैं और गोल्डन गोल्डन ब्राउन होने तक आपको इनको फ्राई करना है। ये देखिए कितना प्यारा कलर इनका आ गया, और इतने कुरकुरे बने हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और इनकी खासियत ही यही है कि अंदर से इतने सॉफ्ट होते हैं और ऊपर से इतने ज़्यादा कुरकुरे की।
और खाने में तो बहुत टेस्टी लगते हैं। आप व्रत ना भी हो तब भी आप इसको बना सकते हैं, अपने घर में बच्चों को नाश्ते में बना के खिला सकते हैं। तो ये एक तरीका है बनाने का। ये देखिए मैंने इसको अलग से, इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो कढ़ाई में छोड़ते हुए इसको मैंने निकाल करके प्लेट में रख लिया है। तो अब मैं इनको रख लिया है, अब मैं जो बाकी के जो बड़े हैं उनको भी मैं इसी तरह से फ्राई करूँगी ऑयल में। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म है, इसमें मैंने एक बड़ा डाला और थोड़ा सा 10 सेकंड का मैं वेट करूँगी। दस सेकंड का वेट करने के बाद मैं यहाँ पे दूसरा बड़ा जो बड़ा है वो डालूँगी। फिर उसको डालने के बाद भी आपको सेम इतना थोड़ा सा वेट करना है और फिर आपको अपने जो बड़े हैं वो डाल देने, जितना कि एक कढ़ाई में बन सकते हैं और अच्छे से फ्राई हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिर से वेट कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पे तीसरा बड़ा भी ऐड कर दिया है। तो बस ये तरीका है इसको फ्राई करने का। और थोड़ा सा ये फ्राई होने लग जाए, एक तरफ से थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए, तब आप इसको पलटिएगा। तो देखा बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाते हैं, और कितना सिंपल है, कितनी जल्दी भी बन जाते हैं ना। इनको बस आपको 3 घंटे पहले आपको सोक करके रखना होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी रात इसको सोक करके रखें, पर हाँ 3 घंटे आपको रखने होता है, इतना तो इसको टाइम चाहिए होता है। सो अभी मैंने इनको भी पलट लिया, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर है। और दोबारा से मैं इसको पलट लूँगी इसी तरीके से, क्योंकि आपको चारों तरफ से इसको अच्छे से फ्राई करना होता है, इनका जो कलर है वो ऊपर से चेंज हो जाता है। और जैसे ये फ्राई हो गए हैं, अब मैं इनको भी इसी तरीके से निकाल के रख लूंगी उस प्लेट में। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। एक्स्ट्रा ऑयल आपको कढ़ाई में ही छोड़ना है, अच्छे से निचोड़ते हुए इसको निकालना है। और इसी तरीके से हमें दूसरे बड़े भी इसी कढ़ाई में डाल देने हैं। तो बस इतना आसान तरीका है इसको बनाने का। चलिए करते हैं इसकी प्लेटिंग और बाकी के बड़े भी हम तैयार करेंगे। तो आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना। ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाकर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी आगे भी। तो आप अपना सपोर्ट देते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।